हेलो एवरीवन, नीविला क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं निवेदिता जायसवाल आज आपको बताने वाली हूँ पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है, और पुलिस कस्टडी किसे कहते हैं और जुडिशियल कस्टडी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि आपको लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है, लेकिन हिरासत में रखने के बावजूद भी यह एक दूसरे से अलग है। किस प्रकार से हिरासत में रखा जाता है इसको आज मैं समझाऊंगी। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो अपराध करता है उस व्यक्ति को हिरासत में रखने के बाद अगर कोई क्राइम करता है तो वो फलाना व्यक्ति को आप कोई भी क्राइम करने से, आगे क्राइम करने से यह रोकता है अगर आप इसे हिरासत में रख लेते हैं तो। और पुलिस कस्टडी क्या किसे कहते हैं आज हम समझेंगे। पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सूचना रिपोर्ट या संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज होता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी आके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे हवालात में बंद कर देता है। हवालात में बंद करने के बाद उसे कोई भी पुलिस अधिकारी उससे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जैसे अपराध के विषय में वो पूछ सकता है, तो इसे हम पुलिस कस्टडी कहते हैं। पुलिस कस्टडी के अंतर्गत आप 24 घंटे के अंदर आप उसे न्यायाधीश के सामने पेश करने की, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी अपराध हो आपको न्यायाधीश के सामने उनको पेश करना पड़ेगा, ताकि वो अपना जो अपराध है उसको न्यायाधीश के सामने वो प्रस्तुत कर सके। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि 24 घंटे में जो आने जाने की अवधि है, जैसे न्यायाधीश के पास ले जाने की अवधि है, वो 24 घंटे के अंदर नहीं जोड़ी जाएगी। अब हम बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी। आपने तो पुलिस कस्टडी के बारे में सुना कि पुलिस कस्टडी जो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस हवालात में बंद कर देती है तो उसे हम पुलिस कस्टडी कहते हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद कोई भी जो 24 घंटा की अवधि है उसके अंतर्गत आप उससे मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब तक आप न्यायाधीश के सामने पेश नहीं कर देते हैं तब तक उनको मारपीट, उस संदिग्ध व्यक्ति को ज़्यादा भड़का नहीं सकते हैं। इसलिए जब हम 24 घंटे के बाद अगर हम न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं और वो फलाना व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश करने के बाद जब व्यक्ति वो गुनाह को कबूल करता है और गुनाह को अपने अपने बारे में बताता है कि ऐसा करने के बाद हमने यह किया, तो इसके बाद जो न्यायाधीश जो है उसको जो सजा देती है, जैसे 14 दिन की जुडिशियल हिरासत में अगर भेज देती है तो उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। यानी न्यायाधीश के सामने पेश करने के ही हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। आज हम समझे कि पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि आपको आगे लॉ किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है। और आपको एक बात और बता दूँ कि पुलिस कस्टडी के अंतर्गत कोई भी इंसान को मारपीट किया जाता है और उससे गुनाह को कबूल करवाया जाता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है, लेकिन उसके साथ में सही तरीके से पेश आया जाता है। तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में जाना पसंद करते हैं, पुलिस कस्टडी में जाना नहीं पसंद करते। थैंक यू।